छतरपुर के नौगांव रोड स्थित पंप रिपेयरिंग और ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। करीब एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। पंप रिपेयरिंग और ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने से 15 से 20 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि इस दुकान में आग लगी, इस वक्त सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। उस दौरान मंत्री गोपाल भार्गव का काफिला भी वहां से निकला, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बमुश्किल करीब एक घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। नौगांव रोड पर हीरो एजेंसी के सामने रईस खान जी हैं, इनकी दुकान है, जिसको चौरसिया जी और वाजिद भाई हैं किराए पर लिए हुए थे। ऑटो पार्ट्स, आयल और सीट कवर वगैरह की दुकान थी। इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर छतरपुर शहर की नगर पालिका से 2 फायर ब्रिगेड, गढ़ी मिलास फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।